गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आज हम जो है आपको ये एक A4 मशीन, जो पेपर फोटोकॉपी जो मशीन होती है, जो कि हमारा जिस पे हम लोग जेरोक्स वगैरह करते हैं, ये उसकी एक कटिंग मशीन है, उसका एक स्मॉल वॉक अराउंड आपको देने वाले हैं। ये आप एक स्मॉल व्यू देख लीजिए, ये ऐसी दिखती है, ये पूरी ऊपर से है, चाइनीज मशीन है हमारी एक छोटी सी, और ये ऐसे ये इस साइड से और एक ये आगे से जाके एक छोटा सा एक बैंड है, मतलब कि इसमें कटिंग एंड पैकिंग दोनों काम हो जाता है एक साथ। ये पूरा एरिया हमारा कटिंग का एरिया है यहाँ से, और ये हमारा जो है ये पैकिंग का एरिया है, और ये इसका कन्वेयर है। आइए मैं आपको इसका पूरा डिटेल दिखाता हूँ, कैसे 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 क्या क्या होता है इसमें और कैसे ये वर्किंग काम करता है। ये तो सबसे पहले इसमें हमारे ये अनवाइंडिंग स्टैंड बोलते हैं इसको, मतलब कि इसमें जो है हमारा रील लोड होता है, जो पेपर्स के जो भी रील होते हैं, ये इसके बटन्स हैं अप डाउन करने के, ये ऊपर नीचे, ये दाएं बाएं, मतलब कि जैसे जैसे इसको हम लोग ओपन करेंगे तो ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है, ये सेंटर है, ये आउटसाइड है, ये देख सकते हैं आप, ये ओपन हो रहा है। तो ऐसे मतलब कि बीच में जो है ये रील को लोड करके और फिर इसके पूरा प्रॉपर यहाँ से ऊपर से होते हुए ये यहाँ से ऐसे करके रील कटर तक पहुंचाया जाता है। तो ऐसे करके ये हमारा इसका हाइड्रोलिक स्टेशन है, इसके इसके इलेक्ट्रिकल पैनल है इधर, इसमें सिलेंडर्स लगे हुए हैं, ये देख आप देख सकते हैं, ये इसका एयर प्रेशर है, पावर का है, इमरजेंसी स्टॉप है, और ये इस साइड जो है हमारे खुल नहीं रहा, ये गिर ही गया फिर टूटा हुआ है। ये हाइड्रोलिक स्टेशन है, मतलब कि यहाँ से ऑयल इसमें जाता है और ये इसको अप एंड डाउन का काम होता है। ऐसे करके हमारे यहाँ पे एक दो, ये भी हमारा ये ऊपर नीचे, ये देख सकते हैं आप, ये बाहर आ रहा है, मतलब ओपन क्लोज अप एंड डाउन इसके फंक्शंस हैं, और ये सेम इसका इलेक्ट्रॉनिक पैनल है, और इसके अपोजिट साइड जो है इसका हाइड्रोलिक पैनल है, ये इसका हाइड्रोलिक पैनल है, इसमें मोटर लगी हुई है, ये भी लॉक ही दिख रहा है आई थिंक, नहीं खुला हुआ है, खुला हुआ है, मतलब कि एज पर स्विचेज एज पर लोड मोटर विल ऑपरेट एंड ऑयल विल गो टू दैट सिस्टम एंड इट विल लिफ्ट अप लिफ्ट डाउन लाइक दैट। एंड देर आर टोटल टोटल इसमें जो है 5 अनवाइंडिंग स्टैंड लगे हुए हैं, ये एक, ये आप देख रहे हैं, एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये 5, टोटल इसमें 5 अनवाइंड स्टैंड लगे हुए हैं, और 5 का ऑपरेशन जो पोजीशन है वो 3 हाइड्रोलिक है, 1, 2 और ये 3, और इसके ऊपर से जो है ये होके निकलता है हमारा, ये इसके ऊपर से यहाँ से ऐसे ऐसे पेपर जो है पास होके हमारा कटर तक पहुंचता है पूरे एरिया, मतलब कि यहाँ पे ये ऐसे होते हुए पेपर हमारा यहाँ से ऊपर होते हुए, ये यहाँ से ऐसे होते हुए ये हमारा यहाँ तक पहुंचता है। इसको हम लोग बोलते हैं पेपर अलाइनमेंट, मतलब कि जो पेपर जो यहाँ से जो भी पेपर्स आ रहे हैं हमारे यहाँ से जो भी पेपर आएंगे 5 रोल्स के जो लोड होके आएंगे वो यहाँ पे पूरा प्रॉपर एक राइट वे में अलाइन करते हैं, अलाइन मतलब सीधा, ताकि जो भी हमारा कटिंग हो वो एकदम प्रॉपर वे में हो, कोई आगे पीछे या ऊपर नीचे या कोई ऐसे तिरछा जिसको बोलते हैं आड़ा कट वो ना हो, ये पूरा प्रॉपर अलाइनमेंट है। ये आप देख सकते हैं ये हमारे सेंसर्स हैं, ये जो है ये सेंसर्स हैं, ये वर्किंग कर रहा है, ये एज पर सेंसर जब ये वर्क होगा तो ये जितने भी हमारे ये है ना ये वाले, ये जब हम इसको जब ये सेंसर हमारे वर्क करेंगे या एज पर जैसे पेपर पास होगा तो उसके अकॉर्डिंगली ये हमारा मूव करेगा, पेपर को अलाइन करेगा, ये ऐसे
और यदि मेरे से कोई मिस्टेक हो रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और ये हमारा ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5 टोटल 5 पेपर अलाइनमेंट हैं जो कि यहाँ से हमारे पेपर पास होंगे एज पर। यहाँ से देखिए आप, यहाँ से ऊपर से ये आपको मैं क्लियरली दिखाता हूँ, यहाँ से ये 5 हमारे अनवाइंड स्टैंड है जिसमें हमारे रील लोड होंगे और यहीं से पेपर उठ के ऊपर से यहाँ से ये ऊपर होते हुए ये यहाँ से यहाँ ऐसे यहाँ पे आएगा और इसके माध्यम से यहाँ बारी बारी से एज पर सिक्वेंस वाइज यहाँ से आगे जाएगा। अब आपको मैं आगे दिखाता हूँ, ये हमारा एक वैक्यूम क्लीनर है, मतलब कि इसमें जो भी पेपर हमारे कट होंगे वो पेपर हमारा यहाँ से बाहर आके और इसके थ्रू डस्ट इसका यहाँ पे कलेक्ट होगा। इसके अंदर पेपर, अब मैं आपको डस्ट दिखाता हूँ, इसके अंदर ये पाइप कनेक्ट है, आपको शायद दिख रहा होगा, आई थिंक थोड़ा लाइट कमी है, आई एम सॉरी फॉर दैट। और ये यहाँ से जब पेपर कटेंगे तो उसमें बहुत ही डस्ट पार्टिकल्स जनरेट होता है जब नाइफ कट करेगी। ये नाइफ है, इसके अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, जब ये नाइफ कट करेगी तो बहुत डस्ट टीनी पार्टिकल्स, वेरी 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 टीनी पार्टिकल्स इट विल क्रिएट एंड दैट विल सक एंड इट विल कलेक्ट हियर और ये यहाँ पे आके इकट्ठा होगा। ये वैक्यूम क्लीनर मोटर लगी हुई है इसमें और ये हमारे अब यहाँ से आते हैं तो ये देखिए, एक्चुअली यहाँ से ये हमारा रील एडजस्टर है, ये हमारा रील एडजस्ट करेंगे, मतलब कि हम सारे अनवाइंड स्टैंडों पे अलग अलग जगह पे इसका जो है दे रखा है यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं। अब इन सब का समरी बना के एक पूरा आप यहाँ से भी, जैसे कोई ऑपरेटर है तो वो इसको यहाँ से भी ऑपरेट कर सकता है। जैसे ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट मैं यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने प्रेस किया, ये यहाँ से ऑपरेट हो रहा है, शायद आपको दिख सकता है कि नहीं, ये देखिए आई थिंक यू कैन सी इट, दोनों जगह दिया गया है, मतलब कि टू वे ऑपरेशन है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई ऑपरेटर यहाँ काम कर रहा है, कोई सडनली दिखा उसको कि हमारा पेपर अलाइन प्रॉपर नहीं है तो उसको यहाँ से भी एडजस्ट कर सकता है। और ये जो है हमारा सीक्वेंस, एक हमारी एक टच स्क्रीन, थोड़ी चाइनीज है तो ये दोनों लैंग्वेज है, देखिए ये चाइना में हो गया, ये इंग्लिश में हो गया। अब आप इसको यहाँ से जो भी आप चाहें इसको कर सकते हैं, ऑटो ऑन ऑफ। इसमें दो सिस्टम दिया गया है, पहला ये जो है ना ये वाला, ये पेपर अलाइनमेंट यदि हम इसको ऑन कर देंगे, ये ऑन कर दिया मैं, तो इसको हमको इसको टच करने के, ये कीपैड को टच करने की जरूरत नहीं है, ये सिस्टम पूरा ऑटोमेटिकली पेपर को एक राइट वे में, एक पूरा सिंगल वे में इसको अलाइन करके लेके आएंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। ये है इसका पूरा प्रोसेस एज पर माई नॉलेज, इफ आई एम डूइंग मिस्टेक प्लीज डू अ कमेंट। एंड अब आते हैं हमारा, ये है नाइफ सिस्टम, ये पूरा हमारा कटिंग सिस्टम है, ये आप देख सकते हैं, ये 1 मिनट, अब शायद एक पूरा व्यू आ रहा हो, आई थिंक हाँ अब ठीक है, ये पूरा नाइफ सिस्टम है। अब जितने पार्ट्स हमको काटने हैं, जैसे ये दो के बीच में एक कटेगा, ये दो के बीच में एक कटेगा, 1 2 3 4 एक साथ फोर पेपर्स इसमें कट हो सकते हैं एज पर ऑर्डर है, एज पर एनीथिंग जो भी है, ये प्रोसेस का सिस्टम है। एंड ये हमारी नाइफ सिस्टम है ये एक्चुअली, तो इसको हम लोग ऑपरेट भी कर सकते हैं। ये हमारा, हाँ ये आया, ये देखिए ये हमारी जो सिस्टम है, ये अभी शायद इमरजेंसी लगा हुआ, आई थिंक नॉट वर्किंग। इसमें भी जो है हमारा ये इंग्लिश और चाइनीज दोनों लैंग्वेज दिया हुआ है, आप ये देख अभी देख रहे हैं शायद, मे बी इंग्लिश चाइनीज। इसमें मशीन की स्पीड, नाइफ की भी स्पीड है ना, ये आप देख रहे होंगे, एज पर डिपेंड व्हाट यू वांट। इसमें हमारा यहाँ से मशीन स्टार्ट स्टॉप, अभी मैं एक्चुअली चालू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा मशीन जो है कुछ डस्ट वगैरह अंदर जमा हुआ है, इसलिए उसको मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। और ये हमारा नाइफ सिस्टम है, डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शो यू, हियर आर 5 बटन्स, 1 2 3 4 5 एंड दीज आर द टेंसर कंट्रोल, हियर यू कैन सी दैट मूविंग, आई एम शोइंग द फर्स्ट वे, ये दिस इज व्हेन, जब पेपर यहाँ से पास होता है
तो टेंशन को कंट्रोल करने के लिए पहले ये ऐसे 90 डिग्री आउटसाइड में रहेगा। अब जैसे जैसे हमारा पेपर में टेंशन कम होगा, कि जब टेंशन कम होगा तो कटिंग हमारी लूज होगी, इसको इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए ये 5 है, 1 2 3 4 5, ये आप देख सकते हैं ऐसे, मैं दिखाता हूँ पूरा क्लियरली आपको। और ये यहाँ से ऑपरेट होते हैं 1 2 ऊपर नीचे, ऐसे हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं इसको यहाँ से। एंड ये हमारे एयरलाइंस के प्रेशर हैं, जितने भी ये नाइफ लगी हुई हैं इन सब में प्रेशर जाता है, एयर एयर जाता है। तो ये एज पर एयर, आई थिंक एयर इज नॉट ओपन, डिलीवरी बॉय, ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए कंप्रेसर हमारा ऑन नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड ये हमारी यहाँ से मशीन जो है, हमारी यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये एक्चुअली एयर कंप्रेसर इज नॉट ऑन, सो इट इज नॉट रोटेटिंग, एंड दिस इज द कटिंग सेक्शन एंड दिस द मशीन। ये जो है आगे पीछे होके इसको यहाँ से टेक करके, इसको गिव एंड टेक है, आगे पीछे करता रहता है, और यहाँ पे कटिंग होती है, फिर कटिंग होके फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ पे एक छोटा सा कन्वेयर है, ये आप देख सकते हैं। हियर इज द सेकेंड वन टच स्क्रीन, दिस इज, एक्चुअली नो एनी बटन वाज वर्किंग बिकॉज दिस इज द मेन कंट्रोल, एंड नाउ विल बी ऑन, यू कैन सी दैट। और मैं आपको इसका पूरा प्रॉपर एक रिव्यू दूंगा जब ये मशीन पूरी हमारी कटिंग और टेस्टिंग के टाइम चलेगी। अभी ये मैं एक स्मॉल वॉक अराउंड दे रहा हूँ आपको, कैसी मशीन दिखती है, कैसी इसका वर्किंग है। ये इसका आप देख सकते हैं, ये पूरी एक, ये इसका पूरा स्मॉल व्यू है ये। और ये जो वुडन टच है, ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है ये, एंड द वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। बोथ साइड अ वॉक अवे, अ प्लेटफॉर्म इज वेरी गुड एंड ऑपरेशन इज वेरी स्मूथ, एंड इफ एनीवन विल वर्क हियर ही विल बी वेरी हैप्पी। एंड दिस इज माय कंट्रोल सिस्टम वेयर आई वर्क, जहां मैं काम करता हूँ। ये हमारा पूरा कंट्रोल सिस्टम है, ये मेरा ये मेन कॉन्ट्रेक्टर है। जब ये सॉरी ये मेन कॉन्ट्रेक्टर हमने ऑफ कर दिया, पूरी सप्लाई हमारी ऑफ हो गई। अब ये मेन ड्राइव है, बाकी हमारी सर्वो की ड्राइव्स है, और ये MCB वगैरह जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये हमारा SMPS है, ये मेन इनकमर हो गया, ये मेरा वर्किंग स्टेशन है वेयर आई वर्क। एंड नाउ आई क्लोज इट, और ये आगे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ये पेपर निकला, कट होके वहां से आया, और यहाँ से एक कन्वेयर के माध्यम से ये यहाँ से आगे जाएगा, यहाँ से ये, एंड हियर, ओ सॉरी, मेन कंट्रोल इज ऑफ, सो ये ऑन किया इसको, नाउ दिस इज द पैकिंग मशीन। एंड व्हेन पेपर विल कम हियर, जब पेपर वहां से कट के फिनिश पेपर यहाँ पे आएगा, तो ये कन्वेयर विल मूव, एंड दिस इज टाइम, ये अभी मूव नहीं कर रही है बिकॉज देयर इज सम प्रॉब्लम इन द मशीन, एंड वी आर मेकिंग इट, इसको अभी ठीक कर रहे हैं। ये जो थोड़ा सा इसका अलाइनमेंट पूरा प्रॉपर नहीं है, सीक्वेंस प्रॉपर नहीं है। वैसे ये है स्टार्ट का बटन, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, और ये देखिए, ये स्टार्ट करेंगे, अभी एक्चुअली दिस इज द वे, व्हेन इट व्हेन वैल्यू कम्स हियर, जब ये वैल्यू डिजिट पूरी यहाँ पे शो करेगा, देन इट विल स्टार्ट एंड लाइक दैट। हियर इज अ टच स्क्रीन आल्सो, एंड देयर इज अ इंग्लिश एंड हिंदी आल्सो, सॉरी इंग्लिश एंड चाइनीज बोथ। ये जो मशीन एक्चुअली हम लोगों ने चाइना से परचेस किया हुआ है, और ये इंग्लिश इंग्लिश और चाइनीज दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, एज पर योर कन्वीनियंस। इफ यू नो चाइनीज देन इट इज वेरी गुड, एंड इफ यू नो इंग्लिश देन इट इज ऑल्सो गुड, डिपेंड्स ऑन यू वट यू रीड द लैंग्वेज। एंड एट दिस टाइम आई एम कटिंग द पावर, एंड दिस इज द मशीन वेयर इट कट्स, सॉरी आई हैव शो टू लाइटिंग, हियर इट विल, देयर इज अ चैन ऑफ द कन्वेयर एंड इट विल मूव, पैकिंग कटिंग एंड ग्लूइंग, हॉट मेल्ट ग्लू इट विल, वी विल फिक्स इट। दिस इज द स्टेयर्स टू गो फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड,
एंड अगेन बोथ साइड, बोथ साइड वी हैव अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर फॉर वर्किंग एंड फॉर एवरीथिंग एंड अगेन वुडन फिनिश, वेरी गुड लुकिंग एंड दिस इज द, एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया, देयर इज अ रिमोट ऑल्सो, वी कैन ऑपरेट इट फ्रॉम रिमोट, इफ यू प्रेस इट इट विल ऑटोमेटिकली मूव, दिस इज, यू कैन सी, प्लीज सी, इट इज मूविंग, इट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड व्हेन प्रेसिंग द रिमोट. इफ एनीवन ये उस चीज के लिए है जब हम सपोज आप कहीं बाहर हैं, सॉरी मतलब कि कभी आप पेपर सेट कर रहे हैं, मशीन चलाना नहीं है, कोई आप अकेले हैं, तो इस रिमोट के माध्यम से आप कहीं जैमिंग हो गया, कुछ हो गया, तो आप यहां से ऐसे ये हमारा काम, आप पेपर निकाल सकते हैं, चला सकते हैं. वेरी वेरी गुड गुड थिंग ये उन्होंने दिया हुआ है. अब मैं आपको ये दिखाता हूँ पैकिंग मशीन. ये यहाँ पे इसका ना रील डाला जाएगा, सॉरी रैपर, रैपर जो यहाँ पे इस रोल में उसको इसमें इसको डाल के और यहाँ से ये अंदर से ये यहाँ पे रील रैपर अंदर जाएगा और अंदर जाके यहाँ पे हमारा ये पैकिंग होगी. ये पूरा इसका प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में जब ये मशीन हमारी पूरी टेस्टिंग के टाइम चलेगी. और ये हमारा हॉट मेल्ट ग्लू है, जैसा कि आप सब जानते हैं जो इसमें जब रैपिंग बनती है तो ये मशीन के थ्रू जो है हम लोग इसमें ग्लू डाल देते हैं इसके अंदर. मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर ग्लू लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, शायद दिख रहा हो, मे भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है हल्का सा दिख रहा है. ये हीट होता है और हीट होके अंदर जाता है एज पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड इट विल पेस्ट व्हेन पेपर कम, पेपर वहां से आएगा और ये ग्लू यहां से अंदर से आएगी. ये अभी काफी हीट है, ये अभी आपको दिख रहा है, अभी समझ में नहीं आएगा, मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ. एंड ये पूरा पैकिंग का सिस्टम है हमारा और उसके बाद ये हमारा फिनिश पेपर यहाँ से निकल के ये कन्वेयर के माध्यम से यहाँ से हमारा ये यहाँ से निकल के ये पूरा प्रॉपर ऐसे निकल के बाहर आएगा. दिस इज द थिंग और यही है A4 कटिंग मशीन का सिस्टम. और फिलहाल अभी हमारी मशीन अभी इरेक्शन टाइमिंग में चल रही है तो अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ. दो कंट्रोल सिस्टम है एक्चुअली, अब ये डिपेंड करता है, ये आप देख सकते हैं काफी अच्छा इसका एक वो है. दिस इज मूविंग वेरी वेरी स्मूथ एंड वेरी फैंटास्टिक लुक ऑल्सो. एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू शो यू, दिस इज माई वर्क, वेयर आई वर्क, वाट आई वर्क, यू हैव टू सी. ये हमारा इसका कंट्रोल पैनल, ये पैकिंग सिस्टम का कंट्रोल पैनल है. ये मेरा वर्क स्टेशन है, ये मैं काम यहाँ पे करता हूँ, ये मेरा वर्क स्टेशन. इसमें पूरी सर्वो ड्राइव्स लगी हुई हैं, ये हमारी एक मेन मोटर की ड्राइव है, ये सर्वो नहीं है एज पर RPM. एंड ये हमारी PLC है, ये मेन कॉन्टेक्टर है, ये रिले कार्ड है, ये SMPS है, बाकी सब आप लोग जानते ही हैं. चाइना वालों ने ध्यान बहुत रखा है अपने ऑपरेटर का. आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, बंद हो जा, ओके इट इज नॉट वर्किंग. ये आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो यहाँ से, ये देखो अ लॉट ऑफ सेंसर्स इन दिस मशीन, यू कैन सी हियर 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 देयर, देयर आर मेनी प्रॉक्सिमिटी सेंसर, मेनी. इस मशीन में एक सबसे खास बात यह है कि यदि इस मशीन की एक भी यदि प्रॉक्सिमिटी सेंसर खराब हुआ, ये यहां से भी इसको चालू बंद कर सकते हैं, टू वे ऑपरेशन है ईच एंड एवरी. इस मशीन की सबसे खास बात यह है कि दोनों साइड से ऑपरेशन का उसको वो दिया गया, मतलब एक आगे से पीछे से हर जगह से आप ऑपरेट कर सकते हैं इसको. एंड मैं अभी इसके लिए इसको बंद कर देता हूँ. एक चीज बताना आप लोगों को भूल गया मैं, इसमें ब्रेक्स लगे हुए हैं, ब्रेक्स हैं इसमें जो कि हाइड्रोलिकली वर्क करते हैं एंड द ब्रेक्स ऑपरेट विल हियर हियर, दिस इज द ब्रेक ऑपरेशन पॉइंट एंड मैं आपको इसका नेक्स्ट वीडियो दूंगा जब ये मशीन हमारी पूरी टेस्टिंग में रहेगी. अभी एक्चुअली इस थोड़ा सा उस टाइम एक अलग ही वो रहेगा, ये रील्स को हम लोग टेस्ट करने वाले हैं. एक्चुअली ये हमारा सीट कटर, इसका भी वीडियो आपको दूंगा मैं, ये रील्स को हम लोग इस पर टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके इसको A4 बना के आपको मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में. अभी आज कल में ये फिनिश हो जाएगा,
बाकी के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।